तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल उन्नति टेक में। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का मैच होने वाला है, इतना खैर इतना खास है नहीं, बट श्रीलंका की फिर भी उम्मीदें बनी हुई हैं थोड़ी सी। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो एक ये बड़ा मैच है, इसके बारे में आज बात करेंगे। क्या टीम होने वाली है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं पिच की और ग्राउंड की। यहाँ की जो पिच और ग्राउंड है, देखिए इसी पिच पर अभी लास्ट मैच श्रीलंका का हुआ था, वो जो पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का, जिसमें साउथ अफ्रीका जीत गई थी 9 विकेट से। ठीक है, मेरे को देखिए इसमें बैट्समैन को मदद तो है, लेकिन शुरू शुरू में बॉलर्स को भी मदद मिलेगी। ठीक है, पहली इनिंग में उसमें क्या रहेगा ना कि छोटा ग्राउंड है, लेफ्ट साइड जो लेफ्ट की जो लेफ्ट साइड बाउंड्री है बहुत छोटी है। ठीक है, रन भी अच्छे पड़ते हैं इस पर ग्राउंड पर। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि विकेट्स लेने के लिए बॉलर कितने सक्षम है। ओके, तो इसमें जो है पिच पे रन भी बन सकते हैं और विकेट भी लिए जा सकते हैं, तो आपको दोनों को ही काम में लाना होगा। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स वैसे भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, केमार रॉय से लेकर कॉटरेल तक। ठीक है, बात करते हैं दूसरी चीज़ की। श्रीलंका की टीम वैसे ही कमज़ोर लग रही है, ना बैटिंग में चल पा रहे हैं, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्रिकेट खेल रहे हैं, जो जिसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। इस वजह से वो अब तक जो है बिल्कुल बाहर हो चुके हैं सेमीफाइनल्स लगभग, और ये मैच हार गया था बिल्कुल ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। टीम की बनाते हैं कि कौन सी टीम मैंने बनाई है अपनी, कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ मैंने। फिलहाल मैंने इस टीम को यूज़ करूँगा मैं, और इसी टीम को आप क्रिएट करेंगे। ये टीम एक बार देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल एग्जैक्ट यही टीम आपको बनानी है, और इसी टीम से जो है आपको खेलना है। आप जीतेंगे ज़रूर, 100% लिख लीजिए। बस कैप्टन वाइस कैप्टन मैं तब डिसाइड करूँगा जब टॉस हो जाएगा। हालाँकि देखिए, चाहे पहले खेले कोई भी टीम, ठीक है सॉरी मेरे हिसाब से जो मैं बताऊं तो मेरी टीम बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो यही रहेगी। बस मैं एम्ब्रिस को हटा के, जैसे कि दिखाता हूं मैं एम्ब्रिस को हटा के, यहां पे मैं हिट मार कर सकता हूं। ठीक है, यहां से मैं डिसिल्वा को हटाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, सिर्फ बॉलर को, कोटेल को हटा सकता हूँ, कोटेल को हटा के मैं तो थॉमस को ले सकता हूँ। ठीक है, या उड़ाना को ले सकता हूँ, डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मैं किसको लेना चाहता हूँ। मैंने कोटेल को लिया हुआ है। लेकिन बैटिंग की बात करें तो ये ज़रूरी है, गेल ज़रूरी है, हिटमायर ज़रूरी है, अविष्का फर्नांडो ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर बाकी एम्ब्रिस को लेना चाहते हैं एम्ब्रिस को ले सकते हैं, बट यहाँ से फिर आपको होप को हटाना होगा अगर आप एम्ब्रिस को हटाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं होप को हटाना, तो मतलब वैसे होप ऐसे भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं आजकल। ठीक है, बट मैं होप को फिर भी एक उम्मीद के तौर पे रखूँगा कि हाँ शायद वो चल जाए। ये टीम मेरी होगी क्रिएट एज इट इज़। कैप्टन वाइस कैप्टन की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो देखिए अगर श्रीलंका पहले खेलती है, श्रीलंका अगर पहले खेल गई तो भी मैं वाइस कैप्टन बनाऊँगा कुशल पेरेरा को, या फिर इसको, या फिर अविष्का फर्नांडिस को। लेकिन कैप्टन मेरा होल्डर रहेगा या फिर केमार रोच रहेगा। केमार रोच को रख लीजिए या फिर होल्डर को रख लीजिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, या फिर बॉलर वो रख सकते हैं आप, कोटेल को वाइस कैप्टन। ठीक है, क्योंकि विकेट्स तो ज़रूर लेंगे श्रीलंका के बल्लेबाज। तो बस यही एग्जैक्ट टीम बनानी है आपको, या गेल को बना सकते हैं आप कैप्टन। ठीक है, तो ये भी अब टीम बिल्कुल परफेक्ट है, आपको अपने हिसाब से देखना है। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते कर सकते, लेकिन मेरी फाइनल जो बिल्कुल टीम होगी वो यही रहेगी। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं। इंडिया का मैच जो कल होने वाला है, और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होने वाला है वो बांग्लादेश के लिहाज से, क्योंकि बांग्लादेश के दोनों ही मैच जीतने। कल हम मिलेंगे फिर स्पेशल वीडियो के साथ, जिसमें कि आपको मैं परफेक्ट टीम बना के दूंगा, ड्रीम इलेवन टीम। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, और टीम को इसी टीम को क्रिएट कीजिएगा जो मेरी टीम नंबर 3 है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसमें होल्डर को बना सकते हैं कैप्टन, बस वही एक मैंने चीज़ छोड़ी है इसमें कि मैं होल्डर को कैप्टन बना रहा हूँ इसमें। ठीक है गाइस, एंड थैंक यू सो मच।